के आंदी हो बचा लो जी मैनू इन्ना तो अखियां तो मेरा कत्ल करण नू फिर दिया ने जो तुम दोनों कितना लड़ते हो अब शांत भी हो जाओ। बस बहुत हुआ, मैं ये शादी नहीं करवा सकता। इन दोनों की शादी करवाना मेरे बस की बात नहीं, प्लीज किसी और प्रीस्ट को बुला लो। वो दोनों बच्चे हैं, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। आप ये शादी करवाइए, अब ये दोनों नहीं लड़ेंगे। हाँ फादर, आप ऐसे नहीं जा सकते, इतनी जल्दी हमें दूसरा प्रीस्ट कहाँ मिलेगा। बस बहुत हुआ, मैं इन दोनों नमूनों की शादी नहीं करवा सकता। और इस लड़की को तो देखो, आखिर कौन कौन अपने होने वाले हस्बैंड को थप्पड़ मारता है? और ये लड़का कितना अजीब अजीब से सवाल पूछता है। आप लोग कुछ भी कहो, पर मैं अब एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुक रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज शादी करवा के जाइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोच लीजिए फिर, मैं आपको डबल पैसे दूंगी, पहले से भी ज्यादा। अब भी आप मना करेंगे क्या? मैं भी अपनी तरफ से आपको पूरे पैसे दूंगी, पर प्लीज आप ये शादी करवा के जाइए। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, मैं शादी करवा देता हूँ। पर आप इन दोनों से कहो कि अपना मुंह बंद करके रखें और शादी कंप्लीट होने के बाद ही बोलें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब ये दोनों तमीज में रहेंगे। तुम दोनों अब चुप रहना, देख रहे हो पैसे के कितने लालची हैं ये। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, रुपया मिला और चट्टे से मान गए। इन दोनों को चुप कराओ ताकि मैं शादी करवा के जल्दी से यहाँ से निकल सकूं। तुम दोनों अब एक दूसरे को रिंग पहनाओ। रिंग? इस भैंसे की उंगली में रिंग आएगी? अगर तो जैसे गेंदे की उंगलियों में भी नहीं आएगी रिंग। जितना कहा उतना करो। फिर से लड़ना चालू कर दिया, कहा ना रिंग पहनाओ एक दूसरे को तुम दोनों। ओके ठीक है, ना भैंस उंगली दे। मेरे कहने का मतलब हाँ। चुप कर दे गेंदे, वरना दो मुके मारूंगी। अब अगर तुम दोनों चुप नहीं हुए ना, तो मैं तुम दोनों को एक एक मुके मारूंगी। चुपचाप ही शादी कर लो, ऐसी हरकतें तो नर्सरी के बच्चे भी नहीं करते। हाँ हाँ ठीक है, मैं मारने की क्या जरूरत है। अब दोनों किस करके अपने शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाओ और एक दूसरे से प्रॉमिस करो कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। क्या कहा के? शिवल्ली सिक्के मौत के। इसको मैं किस करूंगी? कभी जिंदगी में नहीं। इसकी शक्ल देखिए, किस करने वाली? इस बदबूदार इंसान को मैं कभी किस नहीं करूंगी। मैं तो अपने होने वाले प्रिंस को किस करूंगी, जो सफेद घोड़े पे बैठ के आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। देखो बेटा, अब जो भी है, अब यही तुम्हारा प्रिंस है, तुम्हें इसी को किस करना पड़ेगा। देखो कॉमेडी का दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। इस तरह हंसो मत, मेरी फ्रेंड बस शाय हो रही है। चलो भी बच्चे, एक दूसरे को जल्दी किस करो, टाइम बीता जा रहा है। सुना तुमने, अब मैं ही तुम्हारा प्रिंस हूँ। प्रिंस? प्रिंस वाली शक्ल देखी तुमने अपनी? दांत देखो, दांत कितने गंदे हैं, ब्रश भी नहीं कर रखा है, बदबू तो दूर से आ रही है, नहा के भी नहीं आया मुझे तो लगता है। हैं? सोचने वाली बात है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं आज नहाया नहीं? बच्चे लेट मत करो, जल्दी किस करो एक दूसरे को, शादी कंप्लीट करो। ध्यान से देखो आप, इसके दांतों में रात की पालक चिपकी हुई है और आप बोल रहे हो कि मैं इसे किस करूं? आप खुद ही कर लो ना इसे किस। ये बच्चे भी ना, इन्होंने आज हमारी बेइज्जती करवा दी है। क्या कच्चे? कच्चे ने बेइज्जती करवा दी? पर कैसे, आपने कच्चा नहीं पहना आज? कच्चे नहीं, बच्चे कह रहे हैं वो बहरे महाराज। क्या तुमने कुछ कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार और कहना तो। डैड आप रहने ही दीजिए, और तुम दोनों शादी कंप्लीट करो जल्दी। तब से नाटक लगा रखा है, दुनिया की सबसे अनोखी शादी है क्या ये? मैं तो तैयारी हूँ, यही नाटक कर रही है तब से। इसका मतलब तुम मुझे किस करना चाहते हो? हाँ तुम बेटा, देखो जंगू कितना अच्छा है, चलो उसकी बात मान जाओ, तुम भी करो उसे किस। मैं जल्दी करो, जाना है मुझे। चलो किस करें। चलो एक दूसरे को चुम्मी देते हैं। अब देखो वो दोनों किस करने वाले हैं, फिर शादी कंप्लीट हो जाएगी। शिट यार, कॉमेडी खत्म हो जाएगी इसके बाद।
फोटो लेने लायक सीन आया, मैं इसकी फोटो ले लेती हूँ। करने में
महीने में जा रही नहाने। अबे ये घर मेरा, बाथरूम मेरा, ये कमरा मेरा, सबसे पहले मैं जाऊंगा नहाने। सुन यार मैंने क्या कहा, ये मेरा कमरा है तो सबसे पहले मैं नहाऊंगा। अगर तुमने पहले नहा लिया ना तो बाथरूम में बदबू आएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ, पहले मैं नहाऊंगी। बेटा भाग के बाथरूम में चली जाती है, ये तो बिल्कुल हवा की तरह भाग के गई है। A few moments later. एक साल के लिए आज ही नहा लूंगी क्या, मुझे भी नहा दे। मुंह बंद करो अपना, वरना मुंह तोड़ दूंगी। पहले ये तो खुल जाए, ये खुल ही नहीं रहा है, तो मैं नहाऊंगी कैसे, क्या करूं अब मैं। अरे हाँ ये लंगूर किस काम आएगा, इसे बुलाते हूं अंदर। अरे कोई मदद चाहिए क्या, मैं आ जाऊं अंदर। हाँ हाँ आ जाओ अंदर आओ। हैं? इसने तो सच में मुझे अंदर बुला लिया, क्या कर रहे हो बाहर, जल्दी आओ अंदर। बेवकूफ कहीं का, जल्दी आओ भी अंदर जल्दी। नहीं नहीं मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता, वही तो मुझे बुला रही है, तू जाने में हंस क्या है। चलो अंदर चलते हैं। ये क्या है, अभी तक तुमने अपने कपड़े भी नहीं उतारे, तुमने नहाया भी नहीं, तब से कर क्या रही थी तुम वहाँ बाथरूम में, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है। क्या तुमने अपने कपड़े उतारने के लिए मुझे अंदर बुलाया? अपने दिमाग के घोड़े चलाना बंद करो, मेरे पीछे से बटन खोल दो। मैं क्यों खोलूं? तुम अपना काम खुद करो। क्या तुम चाहते हो मैं मॉम को बुलाऊं? कर रहा हूं, मॉम को बुलाना जरूरी है क्या? तुम कह रही हो इसलिए कर दे रहा हूं, मॉम की धमकी मत दिया करो, डरता वरता नहीं हूं मैं उनसे। अच्छा तो फिर मैं उन्हें बुलाऊं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। जल्दी करो, कितने स्लो हो तुम। ये लो हो गया, चिल्ला रही थी इतनी देर से, इतना भी नहीं होता तुमसे। ठीक है तो फिर चलो बाहर जाओ जल्दी। मैं क्या सोचा था अलग अलग नहाने से अच्छे साथ में नहा लेते हैं, हमारा टाइम भी बचेगा। मैं पक्का वादा करता हूँ मैं तुम्हारी पीछा कर दूंगा, सच कह रहा हूँ। भागो यहाँ से। फिर तो जंकू को बाथरूम से बाहर निकाल देती है, मैंने ठीक ही तो कहा था साथ में निपट जाते, टाइम बच जाता हमारा। बेटा मैंने एक ही स्टोरी आपको तीन बार सुना दी है। बेटा अब आपके सोने का वक्त है, चलो सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। मम्मा पर स्नो वाइट वाली प्लीज, बस एक बार, फिर उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी, प्लीज मम्मा। बेटा सारी स्टोरी आज ही सुननी है क्या, कुछ स्टोरी कल के लिए भी छोड़ दो। ओके मम्मा जैसा आपको, मैं सो जाती हूँ अब। गुड गर्ल, अब सो जाओ जल्दी से, ओके कल स्कूल भी जाना है। गुड नाइट बेटा, मम्मा को थोड़ा काम है, वो अपना काम खत्म करके सोएंगी। ओके ओके मम्मा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम सो जाओ जल्दी से। ओके कितनी प्यारी है मेरी बेटी, जल्दी से मैं अभी अपना काम खत्म कर लेती हूँ। यहाँ जिन और इनकी एक बेटी भी है, और ये अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। इनका नेचर थोड़ा सीरियस है बट ये बहुत स्वीट है। मुझे तो उन दोनों के बारे में सोच सोच के अभी तक हंसी आ रही है। तुम्हें पता मुझे क्या पता चला, वो दोनों बचपन से दोस्त हैं, और अब देखो उनकी शादी भी हो गई। वो दोनों बचपन से दोस्त हैं, उनका रिश्ता तो बहुत ज्यादा ही गहरा है ना, पर लड़ते ऐसे रहते हैं जैसे एक दूसरे की जान ही दुश्मन हो। हाँ तुम्हें पता है दुश्मनी ना जाने कब प्यार में बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। देखना बहुत जल्दी दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे। आई होप कि वो दोनों अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहें। रजमिन कुछ हुआ है तुम्हें? नहीं शुगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। जमीन वैसे मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ, पर तुम तेरे से कब मिली थी, मैं इसे नहीं जानता। तेरे और मैं 6 महीने पहले मिले थे, तभी से हम दोस्त बन गए। मैं किसी काम से बाहर गई थी और मेरी एक बाइक से टक्कर होने वाली थी, तभी तेरे ने मुझे बचा लिया था, तभी से हम दोनों फ्रेंड्स बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स।